हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहताज इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। और जो भी स्टूडेंट्स आने वाले एग्ज़ाम्स एयरफोर्स नेवी एंड एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि अपन ने वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी के रिलेटेड जो कि रिपीटेड वर्ड्स हैं उनका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में जो वर्ड मैं आपको देने वाला हूँ वो मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फर्स्ट वर्ड जो यहाँ पर है वो है एब्सकंड। इसका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है भाग जाना। इसका जो लाइनिंग वर्ड होता है वो होता है टू फ्लाई फ्रॉम ला टू गो अवे स्केर्टली। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अपने पास अलेन। इसका हिंदी मीनिंग होता है वो विदेशी। कई बार रिपीटेड वर्ड्स है ये। ए पर्सन रेसिडिंग इन कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट ए सिटीजन, मतलब कि वो उस कंट्री में रहता हो लेकिन वहाँ का वो स्थायी निवासी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है एम्बिगस। इसका हिंदी मीनिंग होता है वो होता है द्यर्थक। और इसका वन लाइनिंग इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। एम्बिगस का इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन वन वे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड जो है वो कई बार रिपीटेड वर्ड्स है। अबाउ बोर्ड, इसका मीनिंग जो होता है वो होता है क्लियर स्पष्ट। और इसका वन लाइनिंग मीनिंग होता है माई पॉलिसी इज ऑलवेज अबाउ बोर्ड एज आई हैव नथिंग टू कंसील। कंसील का मीनिंग जो होता है वो भी स्पष्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये रिपीटेड वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।